हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन आलम और आप देख रहे हैं रोशन टेक्निकल। दोस्तों, बहुत सारे भाई हैं जो पहला डोज ले लिए हैं लेकिन उनके तौकलना में शो नहीं कर रहा है फर्स्ट डोज, और दूसरा कि वो अपने सेहती में जब वैक्सीन लिए हैं तो सेहती से अपना मेडिकल रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेडिकल का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी बताने वाला हूँ। तो ये दोनों चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और पूरा समझाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे आप मेडिकल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और तौकलना में कब शो होगा आपका फर्स्ट डोज। जब ले लिए हैं वैक्सीन तो कब शो होगा आपका तौकलना में। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर आके ऊपर से खींचिएगा और देखिए यहाँ पे वैक्सीन का नोटिफिकेशन भी मिल गया है यहाँ पे। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो कल्ला मेरा खुल रहा है, क्योंकि अभी 30 सेकंड ले रहा है तो कल्ला खुलने में, पहले नहीं लेता था। देखिए खुल गया। खुलने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से शो कर रहा है वैक्सीन लेने के बाद। यहाँ पर लिख रहा है थैंक यू फॉर योर अवेयरनेस अपडेटिंग द हेल्थ कंडीशन टू इम्यून बाय फर्स्ट डोज रिक्वायर 14 डे। मतलब दोस्तों ये बोल रहा है आप इंजेक्शन लिए हैं तो इसके लिए थैंक यू, और आपके तौकलना में ये 14 दिन के बाद शो करेगा। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपका इंटरफेस शो करेगा, नो रिकॉर्ड ऑफ इंजेक्शन। मतलब ये बोल रहा है अभी आपका रिकॉर्ड नहीं है इंजेक्शन लेने का। ये बोल रहा है 14 दिन के बाद आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, इंजेक्शन लिए हैं तो 14 दिन के बाद यहाँ पे शो करेगा फर्स्ट डोज का। तो ये समझ गए आप कि आप इंजेक्शन लेते हैं तो 14 दिन बाद शो करता है तौकलना में। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम सेहती एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों COVID-19 वैक्सीन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद व्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे लिखा हुआ है COVID-19 वैक्सीन मेडिकल रिपोर्ट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सीधे ये ले जाएगा हमको गूगल पे। गूगल पे जाके हम यहाँ क्रोमो में सर्च कर लेंगे, और हमारा देखिए मेडिकल जो रिपोर्ट होता है वो डाउनलोड हो जाता है। ऊपर से खींच के देखिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो गया। इसको ओके करेंगे और ये पीडीएफ में आपका खुलेगा। तो ये देखिए पीडीएफ में आ गया, इसको ओपन कीजिएगा। पीडीएफ में ओपन करने के बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए इस तरीके से आपका मेडिकल रिपोर्ट दिखता है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट, और तौकलना में आपका 14 दिन के बाद वो फर्स्ट डोज का शो करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।